मैं जेपी सर, एमएल कॉन्वेंट स्कूल से आज क्लास 5 की साइंस का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। सभी बच्चे ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान से देखें और उसको रीड करें। चलिए हम चलते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ। देखिए, ये देखिए लेसन 1 दिया है। लेसन 1 का ही है, नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6। और लेसन का नाम दिया था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उसी से कंटेक्ट है। तो देखिए हेडिंग है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहले हम इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद इसका हिंदी में ट्रांसलेट हम करेंगे। ठीक, देखिए लिखा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। वेरियस टाइप्स आप प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट क्लाइमेट, सॉयल एंड सीजन्स। टू अंडरस्टैंड बेटर लेट अस टेक देम वन बाय वन। सॉयल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। सम प्लांट्स ग्रो सेटिस्फैक्टरीली इन वन काइंड ऑफ सॉयल बट पुअरली इन अदर्स। फॉर एग्जाम्पल जूट एंड राइस नीड सॉयल दैट कैन होल्ड एनफ वाटर एज क्ले सॉयल। ओके स्टूडेंट्स, मैं इसको अभी इंग्लिश में रीड किया हूं। अभी इसमें मैं कुछ हार्ड मीनिंग्स दिया हूं बगल में, पहले उसको देख लेते हैं फिर इसके बाद इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। चलिए देखते हैं उसको मीनिंग की तरफ। हाँ चलिए देखते हैं, इसमें कुछ हार्ड मीनिंग्स है उसकी, उसको एक बार देख लेते हैं। हाँ देखिए, फर्स्ट मीनिंग इज दैट ग्रोथ, ग्रोथ मीन्स बढ़ना। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मीन्स विकास। नेक्स्ट है क्लाइमेट, क्लाइमेट मीन्स जलवायु। और नेक्स्ट है सॉयल, सॉयल मीन्स मिट्टी। और नेक्स्ट है नेक्स्ट मीनिंग सेटिस्फैक्टरली। सेटिस्फैक्टरली मीन्स क्या होता है, संतोषप्रद या संतोषजनक या अच्छा या उत्तम। और नेक्स्ट है होल्ड, होल्ड मीन्स पकड़ना। और नेक्स्ट मीनिंग है पुअरली, पुअरली मीन्स क्या होता है, अच्छा नहीं, मतलब जो अच्छा नहीं है उसको पुअरली करते हैं। ठीक, अभी मैं इसको मीनिंग्स बोला हूं, जो इसको आप सभी बच्चे कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको लर्न भी कीजिएगा, जिससे जब विद्यालय ओपन होगा तो मैं सब देखूंगा आपकी कॉपी पर कि आप लोग कॉपी में नोट किए हैं कि नहीं किए हैं। इस तरह से सभी बच्चे इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और इसके अब हम चलते हैं सीधे पैसेज की ओर, उसका हिंदी में ट्रांसलेट कर। हाँ चलिए देखते हैं इसका हिंदी में ट्रांसलेट। देखिए पार्ट का नाम जो दिया था, लेसन का नाम जो दिया था, वह है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, मतलब पौधों में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसी से यह मिलता जुलता, उसी से मिलता जुलता यह पैसेज है, उसी का नेक्स्ट पार्ट है। तो पार्ट नंबर 6 है, छठवां भाग है। तो देखिए प्लांट के विषय में ही हेडिंग है, लिखा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। ग्रोथ मीन्स क्या होता है, बढ़ना। एंड डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है, विकास। ऑफ प्लांट मीन्स क्या होता है, पौधों का, मतलब पौधों का विकास और उसका बढ़ना या उसका बढ़ाव कैसे होता है, पौधे का विकास कैसे होता है, यानी कि पौधे जो कैसे ग्रोथ करते हैं उसके बारे में कुछ इसमें बताया गया है। तो देखिए लिखा है वेरियस टाइप्स, वेरियस टाइप्स मीन्स क्या होता है, विभिन्न प्रकार के। आप प्लांट्स माने पौधे, ग्रो माने बढ़ते हैं, इन डिफरेंट माने विभिन्न विभिन्न प्रकार के या अलग अलग क्लाइमेट्स माने जलवायु में, सॉयल मीन्स मिट्टी में,
एंड आवर सीजन्स मीन्स ऋतुओं। कहने का मतलब कि विभिन्न प्रकार के जो पौधे होते हैं वे अलग अलग प्रकार की जलवायु, मिट्टी और अलग अलग प्रकार के ऋतुओं में वे बढ़ते हैं या उनका ग्रो होता है। ठीक, अब आगे देखिए। टू अंडरस्टैंड बेटर लेट अस टेक देम वन बाय वन। टू अंडरस्टैंड माने समझना, बेटर माने अच्छा है, तो लेट अस आइए हम उसको समझें, देखें। टेक माने लेकर के, देम वन बाय वन एक एक करके, तो करने का मतलब इसके विषय में, प्लांट्स के विषय में एक एक करके, मतलब वन बाय वन करके आइए हम उसके बारे में अच्छी प्रकार से समझें। तो इसमें एक पॉइंट में हम दिए हैं, फर्स्ट नंबर में हेडिंग है सॉयल। सॉयल मतलब क्या होता है? मिट्टी। मतलब मिट्टी जो प्लांट्स के लिए होता है, पौधों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फर्स्ट नंबर पर सॉयल है, यह प्लांट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बारे में देखिए क्या लिखा के देखते हैं। सॉयल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। मतलब सॉयल मीन्स मिट्टी इज वन, मतलब एक प्रकार की ऑफ द इंपॉर्टेंट माने महत्वपूर्ण है, फैक्टर्स माने तथ्य है, फॉर माने के लिए, द ग्रोथ माने बढ़ने के लिए, ऑफ प्लांट्स माने पौधों के, पौधों को बढ़ने के लिए मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, या पौधों का विकास करने के लिए, या पौधों को बढ़ने के लिए, पौधों का विकास करने के लिए मिट्टी उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु होती है। यदि मिट्टी नहीं होगी तो पौधे, पौधों का विकास नहीं होगा। इसलिए फर्स्ट पॉइंट सॉयल जो है वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आइए इसके बारे में और क्या लिखा आगे। सम प्लांट्स ग्रो, सम मीन्स कुछ, प्लांट्स माने पौधे, ग्रो माने बढ़ते हैं, सेटिस्फैक्टरीली मतलब अच्छे ढंग से, सेटिस्फैक्टरी मीन्स सही ढंग से, या इसके मीनिंग से लिखा है आप संतोषप्रद। संतोषप्रद का मतलब वही अच्छे ढंग से, अच्छे ढंग से बढ़ते हैं। कुछ पौधे अच्छे ढंग से मतलब अच्छी क्रिया से बढ़ते हैं इन वन काइंड ऑफ सॉयल, मतलब एक ही प्रकार की मिट्टी में, एक ही प्रकार की मिट्टी में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सही ढंग से उनका विकास होता है। आगे लिखा है बट लेकिन पुअरली पुअरली इन अदर्स, उधर अदर्स लिखा है, लेकिन अदर पुअरली इन अदर, लेकिन दूसरे के लिए अर्थात दूसरी मिट्टी उनके लिए क्या है? पुअरली, अच्छा नहीं। पुअरली मीन्स अच्छा नहीं। दूसरे प्रकार की मिट्टी कुछ पौधे ऐसे होते हैं उनके लिए वह अच्छा नहीं होता है। आगे लिखा है फॉर एग्जाम्पल, इसका एक उदाहरण है, उदाहरण में देख लीजिए, लिखा है कि जूट एंड राइस नीड सॉयल दैट कैन होल्ड एनफ वाटर। उदाहरण दिया है, बताया कि जूट एंड राइस, जूट और राइस ऐसा प्लांट है जिसको नीड माने आवश्यकता पड़ती है सॉयल मिट्टी की, ऐसे मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है दैट जो कैन बन सके, होल्ड माने पकड़ सके एनफ वाटर। एनफ वाटर मतलब काफी मात्रा में पानी, मतलब जूट और राइस ऐसा प्लांट है जिसको ऐसे मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है जिसमें काफी मात्रा में पानी रुक सके। तो आगे और लिखा है एज, इसका एक उस मिट्टी का एग्जांपल दिया है, बताया है क्ले सॉयल। क्ले सॉयल का मतलब होता है चिकनी मिट्टी, मतलब क्ले सॉयल मतलब क्या होता है? चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी इन पौधों के लिए, इन प्लांट के लिए, जूट एंड राइस जैसे प्लांट के लिए वेरी यूजफुल, बहुत ही लाभदायक होती है। ओके स्टूडेंट्स, आज तक इतना ही। अब इसके आगे का जो नेक्स्ट मैटर है वह नेक्स्ट डे आपको बताऊंगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिया हूं, उसका आंसर आप सभी बच्चे विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करेंगे। चलिए अब सीधे चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। हाँ देखिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज व्हाट इज
द इम्पॉर्टेंट फैक्ट ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, मतलब इसका क्या होगा, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट फैक्ट, वह कौन सा फैक्ट इम्पॉर्टेंट है पौधों के ग्रोथ करने के लिए, पौधों को बढ़ने के लिए कौन सा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अभी पीछे में बताया हूं उसी में से आंसर है, वैसे के थ्रू ही क्वेश्चन बना है तो इसका आंसर आप देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट सम प्लांट्स नेम विच आर नीड एनफ वाटर, मतलब कुछ पौधों का नाम लिखना है आपको जिनको काफी मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है, उनका नाम लिख करके आपको आंसर में देना है और विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना है। इस तरह से आज तक बस इतना ही, सभी बच्चों को हमारी तरफ से थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।